हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है पर आपको नहीं पता ये किसके नाम पे है, या आप सिम लेने के बाद भूल चुके हो कि किसके नाम पे ये सिम लिया था, तो आप सिर्फ 2 मिनट में पता लगा सकते हो क्योंकि ये सिम किसके नाम पे है। तो इस वीडियो के साथ बने रहे। पर उससे पहले, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम गीता और आप देख रहे हैं टेक्निकल गीता यूट्यूब चैनल। तो उसके लिए आपके पास एयरटेल थैंक्स ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके सिंपली यहाँ पे एयरटेल थैंक्स ऐप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है तो यहाँ पे आ चुका, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये ऐप ओपन हो चुका है, आपको इसको एग्री वगैरह करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन करना है, जो नंबर आपके पास है एयरटेल का वो नंबर से आपको इसमें लॉगिन करना है, अपना अकाउंट बना लेना है। जब आप अकाउंट बना लोगे तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसमें। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा नाम आ चुका है। तो इस तरह जिसके नाम पे वो सिम होगा उसका नाम आ जाएगा, उसके नीचे आपको नंबर शो कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि मैंने नेक्स्ट पेज ओपन किया, यहाँ पे आपका नाम वगैरह, आपका एड्रेस, सारा कुछ आपको इस पेज में मिल जाएगा प्रोफाइल के बारे में। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ पे मैंने बनाई है। तो इस तरह आप 1 या 2 मिनट में इसको इंस्टॉल करके लॉगिन करके पता कर सकते हो कि सिम किसके नाम पर है। तो आई होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।